खोल दे दर्शन भी जाके खोल दियो कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर जरूर देख लीजिएगा कितनी जगह है सर। वही खाली समाधि भर की जगह है। अच्छा ये सब जितना है यादव बाबा एक आ गए थे उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया लोगों से मांग के। अच्छा हमने भी बहुत दिया। अच्छा बाद में कहे कि आप वो पैसा दे दीजिए आपके नाम का पत्थर लगवा दे। हम कहा बाबा हमें नाम का पत्थर न लगे। हाँ और यहाँ दोबारा कहा मुन क्यों। बहुत लोगों ने लगवाए हैं जिन्होंने दिया है। जी जी मतलब एक ये सिद्ध स्थान है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है जो ये चबूतरा भाई साहब ने बनवा दिया था। अच्छा अच्छा यहाँ पे हवन करने की जगह नहीं। हाँ, 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 तो भाई साहब ने ये चबूतरा अच्छा बनवा दिया। अच्छा अच्छा इधर हवन हो। अच्छा तब ये नहीं बना था इधर वाला ये। अच्छा अच्छा मुझे काफी। अच्छा ये महाराजगंज से कितनी दूरी पर है ये। बस आया आ जाओ। नहीं कितनी दूरी पर है ये। बस 10.5 किलोमीटर बस। तो एक बताइए इस यात्रा में अगर हम ना होते तो हमको पता भी ना लगता कि रायबली में भी ऐसी ऐसी जगह है। किसी दिन आपको और बुलाएंगे तो एक दिन ले चलेंगे। एक तपसी बाबा हुए जी 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 वो अपने घर से भाग के एक उसमें बरगद में छिपे हुए थे जी जी तो उसपे मिट्टी चढ़ गई थी जी। तो लड़के खेलते जानवर चराते उसको लाठी लगा फोड़े तो कहीं नहीं तो बाबा लोगन के बुलाइन फिर उनका उजाय पौड़ाइन तो उनके होश आवा। तो उनका तपसी बाबा कहा हाँ, अभी 68 में दिवंगत हुए। अच्छा हाँ जैसे तुमको श्याम साधु बाबा कहते हैं। हाँ जी जी तो आपको वहाँ भी ले चले। बोलिए बाबा मनसापुरी की जय। बोलिए हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र दरबार की जय। आज हम लोग यहाँ अपनी पदयात्रा के दरमियान जो हमारी शिवगढ़ से निकल करके ओसा से महाराजगंज और महाराजगंज से शहीद स्मारक मुंशीगंज मुंशीगंज से जो है महरू से डलमऊ में जो हमारी 90 किलोमीटर की यात्रा पहुँचेगी उसी क्रम में ये बीच का स्थान मनसापुरी बाबा का जो बड़ा सिद्ध स्थान है हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने और यहाँ जो आया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है। और मैं मनसापुरी बाबा के दरबार पे जितने लोग आए हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हाँ जितने लोग आए उनकी मनोकामना पूरी करेंगे और हमारी भी मनोकामना पूरी होगी तो वहाँ एक विशाल भंडारा कराऊंगा। अच्छा सुनिए एक ये मान के चलिए कि ये बाबा जी जहाँ तक ये बाबे जी की कृपा हुई है उन्होंने देखा कि हमारा भी एक भगत छूटने न पावे इस लंबी यात्रा में कार के इंतजाम इनके बच्चे ने कहा हमका बच्चा हम स्वेटर रखे हैं स्वेटर पहन लिया रहे कि मोटरसाइकिल में सुबह जाड़ा लागी पता लगा कार आ गई। बड़ी इच्छा थी रास्ते में इनके बात हुई कि इनके यहाँ जाएंगे और प्रोग्राम खोलो नहीं रहा सारे प्रोग्राम बन गए। उसके बाद में हनुमान जी के बंदर भोज के लिए सामान निकल गया ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो भाई बाबा जी में शक्ति तो है कि अपने शरण में उन्होंने बुलाया कि हमारा एक भक्त क्यों रह जाए और संत संजोग हो गया ये हो। श्याम साधु जी हमारे जो रायबरेली के गौरव और संतों के संत और जो है रायबरेली नहीं उत्तर प्रदेश नहीं देश नहीं विश्व के बड़े संत हैं वो हम लोगों के साथ इस यात्रा में आज इस मनसापुरी बाबा के स्थान पे आए हैं। भैया अजय हैं बीके सिंह साहब हैं प्रधान जफरापुर हैं और ये दादा जो है सब लोग हम लोग मिलकर के उनके दर्शन आज किए हैं और मनसापुरी बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। बोलिए बाबा श्याम साधु की जय। मनसापुरी बाबा थोड़ी मेहनत करते थे तो ये सुबह फावड़ा चलाते थे 2 घंटे तो बहुत बड़ा खोदे थे। हाँ मतलब ये बहुत गहरा था अब तो बहुत पट गया। अच्छा नहीं ये हिम्मत 3 हाथी खड़ा कर दियो। अरे बाप रे बाप। हाँ और बता दें आपको यहीं का एक मुसलमान बाबा हमारे मछली पा रहे रहे एक पांडे बाबा अगर हमके समाज से आए तो पांडे बाबा जब भोजन दोपहर बनाओ तो कहा है आओ गंगा जमुना तो चली उठती रहे तो माँ अन्न फेंक जाता रहे
तो एक दिन वो सद्दीक मियां रात में मछली मान ली गए, पागल हो गए बाद में बताइए। यहाँ तमाम घंटा टांगे रहे, एक यहाँ पांच ही साल रात में घंटा चुरा के बेच ली, वो सार पागल हो गए। फिर पागल भाई के बाद सार ये रहा था, ये मरा था। अच्छा, आज आप एकदम पक्का मान गए हो कि बाबे की कृपा से मेरा आना हुआ। बिल्कुल। और सिंगर साहब के दिमाग बताओ, इनके लड़का इसकी और लंबी यात्रा में कार लेके आवा, सोचो कार में बैठा के कि ये है ना, ये बड़ी शक्तिशाली जगह है भाई। चलिए हमारा जीवन जी, तब ये मंदिर बहुत रियलिटी था जी, और जितने ऊंचाई पे ये लगा हुआ है जी, मैं जब यहाँ पढ़ता था जी। और इसकी एक और खास बात है, आप चाहे जितने सुबह आइए पूजा की हुई मिलती थी। अच्छा। और इस ऊंचाई पे किसी भी जंगली जानवर का, पक्षियों का बीट नहीं मिलता था। अच्छा। इस ऊंचाई पे अजी हम अब झाड़ू लगा हुआ मिलता था। मेरी बात यही, हम 6-7-8 पढ़े दोपहर में यहाँ लंच करने आते थे। अच्छा। ये बाबा जी के कुआं है उसे, तो चलो यहाँ जुलात हुई हुआ चल बे। अच्छा। और मंगलवार को यहाँ प्रसाद चढ़ता था, लोग आते थे। अच्छा। मंगल एक कथो हुआ था। अच्छा। तो तब देहात था तो चावल और या चना के दाल, वही मने गुड़ मिला के चढ़ा जाता रहा, बांट जाता रहा। भाई वास्तव में ये भाई देखो, इस यात्रा में ये तो है ही है, लेकिन इस यात्रा में चमत्कार देखने को मिला। अच्छा, आपने जिक्र किया था तो हमने कहा अरे ऐसे तो बहुत से कुटिया, बहुत से बाबा होते हैं, लेकिन जब यहाँ के हालातों को जानिए भैया, कहीं यहाँ चले आओ यार, तुमका मालूम है कि वहाँ बनाना राहत है, भैया बनाओ जरा सा, चल रहा है देखो। तो कुल मिला के एक अद्भुत जगह है, 10.5 किलोमीटर महाराजगंज से मात्र है, और एक ये शक्ति पीठ है जहाँ पर की सारे किस्से कहानियाँ वो सटीक सामने है आप सकते हैं। और एक नया पैसा हमारा यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी, यही बाबा जी ने पता नहीं सिंगर साहब के का दिमाग में आवा, कहें बाबा बस अंशू आ रहे हैं उनके साथ चले, हमारी आपकी बात हुई ना है, और अचानक देखिए आना हुआ इस दिव्य स्थान पर, ये सब भैया ये बाबे की कृपा। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई हमारा एक भक्त अधूरा क्यों रह जाए, ये चमत्कार हुआ। आगे देखिए बंदर भोज 1996 में स्वामी भगवानंद सुईया महाराज आए, इसी जगह खड़े हुए और ऐसे देखे 2 मिनट तक, तो हमारे बड़े भाई साहब को उन्होंने कहा कि वीडियो साहब बहुत ही पवित्र स्थान पे आप हमको ले आए, कहीं बहुत सिद्ध स्थान है, मतलब उन्होंने कहा बहुत सिद्ध स्थान है, और यहाँ पे वो 5 दिन रहे, और 5 दिन रहे, और उन्होंने मंदिर में अंदर जाके रात को 12 बजे उनको पुकारा, पुकारने के बाद में लाइट होती है, दोनों लोग सदुकड़ी भाषा में बात करते हैं, निकल के आते फिट हो जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं उसके पहले घंटा में कहा सब जगह सो जाओ, सब लोग वहां लेटे हुए सो रहे थे, और उसके बाद में उठे खोले, और खोले के बाद में हमने जगाया कि देखो महाराज कहाँ गए, उसके अंदर घुस गए मंदिर के, और कहे कि उठाओ बहुत दिन होएगा, अब आज बतलाए बिना जाए, अब ना बिना मिले, क्या बात किए कोई समझ नहीं, आवाज आ रही थी लेकिन कौन सी भाषा थी पता नहीं, 15-20 मिनट बाद निकले और फिर सो गए। हाँ, ये हुआ। बोलिए बाबा मनसापुरी की जय। साधारण जगह नहीं है।